नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रिले ओवरलोड के बारे में। तो दोस्तों, बहुत लोग होते हैं जब कंप्रेसर के रिले नष्ट होता है, ख़राब होता है, तो 99% लोग उस रिले को फेंक देते हैं, वो किसी काम में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कैसे उस रिले को आप आसानी से रिपेयर करके किसी भी कंप्रेसर में दोबारा उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो रिले होता है, रिले किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसे कैसे रिपेयर होता है, इसके बारे में विस्तार से आप लोगों के सामने आज मैं दिखाऊंगा, वो भी प्रैक्टिकल करके भी। तो दोस्तों देखिए, ये जो रिले होता है, रिले का काम होता है कंप्रेसर को स्टार्ट करना। अगर आप ऐसा किसी मुसीबत में गिर जाते हैं तो आपके ये रिले ख़राब हो गया है, तो आप उसे बाईपास करके भी कंप्रेसर को स्टार्ट कर सकते हैं। वो बाईपास कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो है, आप जाके वहाँ से इसे देख के इसे जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो रिले होता है, रिले कंप्रेसर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, इसके बिना कंप्रेसर कभी स्टार्ट नहीं लेगा। तो दोस्तों सोचिए, आप अगर इस कारण आप किसी मुसीबत में गिर जाते हैं कि आपके पास ये जो कंप्रेसर का रिले होता है, रिले खराब हो गया है, ओवरलोड भी सही है। तो दोस्तों देखिए, आपके जो बैग होती है, बैग में भी दूसरा रिले होता है, उस रिले को आप कैसे इसे ट्रांसफर करके इस रिले को, जो खराब रिले है, खराब रिले को कैसे आप आसानी से ठीक कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज मैं प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरे एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे और घंटे को ऑल कर दे, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाया करे। तो दोस्तों आइए, अभी इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास रिले है, तीन रिले है, इनमें से दो होता है कॉम्बाइन रिले ओवरलोड होता है, ये दो, और ये एक नष्ट रिले है। तो इनमें से ये भी नष्ट होता है और ये भी नष्ट है और ये सही है। तो इसकी जो कैसे रिपेयर किया जाता है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँगा। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास सोचिए, आपके पास या मेरे पास ये मीटर नहीं है, तो भी आप इस रिले को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सही है, ख़राब है। तो इसका जो आवाज़ होता है, तो जैसे देखिए, तो दोस्तों आपने अभी सुना कि इसका जो रिले है, रिले का जो स्टोन होता है, जो इसके अंदर जो पत्थर होती है, वो अभी टूट चुका है। टूटने के कारण ये रिले बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो रिले होता है, रिले में बेसिकली एक स्टोन होता है, पत्थर होता है, ये पत्थर जो होता है इससे लाइन को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करता है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो स्टोन होता है, पत्थर होता है, वो ख़राब हो चुका है। तो इसे कैसे रिपेयर की जाती है, ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। अगर आपको विदाउट मीटर को, रिले को कैसे पहचानना है, सही है, गलत है, तो मेरे चैनल पर वीडियो है, आप जाके उस वीडियो को देख के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि बिना किसी मीटर के कैसे रिले और ओवरलोड को चेक किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसकी मैं खोल के आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसे आहिस्ता आहिस्ता खोलना पड़ेगा। इसके जो लॉक होता है, वो लॉक में इसे एडजस्ट किया जाता है, किया गया है। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर जो स्टोन था, ये एक स्टोन वो टूट, ये जो स्टोन है, एक स्टोन टूट चुका है, ये स्टोन, और इसके अंदर भी स्टोन है, देखिए, ये जो इसके अंदर स्टोन है, स्टोन भी इसका टूट चुका है, वो स्टोन ख़राब हो चुका है। तो इसे रिप्लेस करना है, तो इसे अभी मैं रिप्लेस करूँगा। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर स्टोन था, ये जो देखिए स्टोन, ये जो पत्थर है, इसका ये कई हिस्सों में बटा हुआ है, देखिए एक दो तीन चार हिस्सों में बटा हुआ है। तो ये इसका कॉन्टैक्ट देता है और ये डिसकॉन्टैक्ट करती है। तो दोस्तों, ये जो स्टोन है, स्टोन ख़राब होने के कारण ये जो रिले है, रिले ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों, मेरे पास और एक रिले है, वो भी नष्ट रिले है, तो इसका जो स्टोन है, वो स्टोन वगैरह सही है,
तो इसके जो स्टोन होता है इसमें मैं रिप्लेस करूंगा। रिप्लेस करने से जो रिले है रिले बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल वर्क में करने लगेगा। ये भी मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए आसानी है, ये जो इसका स्टोन होता है स्टोन को आसानी से उसमें से निकालना है। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर जो क्लिप होता है, क्लिप में ये जो दो क्लिप होता है क्लिप के अंदर ये फंसा होता है, तभी ये काम करता है। तो दोस्तों आसानी से इसको जो स्टोन है, स्टोन के देखिए ये स्टोन है, देखिए ये देखिए मेरे पास स्टोन है, ये दूसरा रिले का स्टोन है, तो इसे इसमें इंसर्ट करना है। तो इसे आसानी से तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसे आसानी से मैंने इंसर्ट कर दिया। आप इसे इंसर्ट करने के बाद इसका जो कवर है, कवर को इसे दोबारा लगाना है। तो दोस्तों देखिए इसे मैंने सेटअप कर दिया। सेटअप करने के बाद इसका चेक करना है। आप चाहे इसे वोल्टेज देखे भी चेक कर सकते हैं, वरना आप इसे विदाउट वोल्टेज के मीटर देखे भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो है इसमें कुछ डिजिट शो किया। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसके अंदर डिजिट शो होता है, तो बिल्कुल ये अभी ठीक हो चुका है। दोस्तों आसानी से आप इस तरीके से मैंने जो फार्मूला दिखाया है, इस तरीके से आप इस रिले को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों अगर आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूशन है तो आप इसे भी लाइन देके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये होता है इसका फेज लाइन और ये होता है इसका न्यूट्रल लाइन। तो यहाँ आप न्यूट्रल देखिए और इसे फेज देके आप इसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज सही है। तो दोस्तों आसानी से आप इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के पास कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को आपके जो सोशल साइट है उसमें भी शेयर करिए, ताकि उस भाई को भी इसके बारे में पता चल सके। और चैनल पे जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।